अरे बताओ ना, तो लास्ट है, तो लास्ट व्लॉग बनेंगे। तुम लोग ये देखो, यहाँ पे भी सब छुप गए। गाइज़ वेलकम टू माई चैनल केपी सिन्हा ब्लॉग्स, और मैं कॉलेज में हूँ अपने, देख ही सकते हैं आप लोग। और अभी मैं आ गई हूँ, पर क्लास अभी चल नहीं रही है। सो मैं पहले कॉलेज आती हूँ तो सबसे पहले एक ही काम कर, मतलब दो काम करती हूँ, एक तो वॉशरूम जाना, दूसरा पानी पीना। अब वो दोनों ही काम मैं कर चुकी हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने, मतलब ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है और मैं घर से भी कुछ खा के नहीं आती हूँ, सीधा यहीं पर ब्रेकफास्ट करती हूँ जो करती हूँ। तो चलिए पहले खा लेते हैं खाना कुछ। तो लंच में मैं ना लेके आई हूँ पीठा और पुदीने की चटनी, और ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ठंडा पीठा और पिठौरी ना खाने में बहुत टेस्ट लगता है। तो यहाँ पे मैं लंच कर रही थी, वैसे बेसिकली ना आज एक ही क्लास थी और जाना एक तरह से वेस्ट ही था, क्योंकि मैं गई फिर मैं निकल ही गई थी, मतलब 12:30 बजे तो मैं निकल गई थी, और कॉलेज दूर है इस वजह से मुझे आने जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। बट हाँ, और फिर मैं लंच, मतलब ये ब्रेकफास्ट ना मेरा पहला मील होता है ये कॉलेज में बैठ के। मैंने पूरे 1.5 साल बैठ के कॉलेज में ही अपना पहला ब्रेकफास्ट किया है। मैं घर से कुछ खा के नहीं जाती, एक तो मेरा मन भी नहीं करता, दूसरा ये कि यार मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे भारी भारी पेट लेके जाना, ठीक है मेरा अजीब सा हो जाता है मन इस वजह से। तो पता है क्या, और फिर पता है सब लोग ना फेयरवेल की तैयारी में लगे पड़े हैं, और हम लोगों की मैं कितना ज़्यादा कह रही हूँ कि यार डांस करते हैं, ग्रुप डांस करते हैं, बट कोई भी नहीं कर रहा है। और ये अभी जो मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज के दिन मतलब हमारा फेयरवेल हो चुका है, कल ही हम लोग फेयरवेल सेलिब्रेट करके आएँ, तो उसका व्लॉग भी जल्दी आने वाला है। तो आई होप आप लोग एक्साइटेड हो गए, एंड तब तक के लिए व्लॉग के साथ बने रहिए। एंड हाँ प्लीज़ यार, मैं हमेशा बार बार याद दिलाती रहती हूँ, सब्सक्राइब शेयर कर देना, एंड बहुत सारा प्यार भेजते रहो, बहुत सारा दुलार करते रहो। तो बस चलिए फिर आगे ब्लॉग में देखते हैं। यार मत बनाओ ऐसे, मतलब अरे नहीं मैं म्यूट कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। फेयरवेल का डिस्कशन कर रहे हैं, तो याशिका बताओ मैं किस गाने पे डांस करूं। अरे बताओ ना, तो लास्ट है, तो लास्ट ब्लॉग बनेंगे। तुम लोग ये देखो, यहाँ पे भी सब छुप गए। क्लास तो हुई, फिर अटेंडेंस ले ली, फिर चले गए सर, और यहाँ पे ये लोग भी ऐसे भाग रहे हैं। पता नहीं यार इन्हें व्लॉग देख करके क्या हो जाता है। दीपाली आ गई, दीपाली कुछ बोलेगी, दीपाली दीपाली बोलो बोलो, तुम बोलो, क्या तुम डांस नहीं करना चाहती हो? दीपाली दुनिया जानना चाहती है, मेरे सब्सक्राइबर्स जानना चाहते हैं। कोई नहीं करना चाहता डांस यार। और पता है सिर्फ हमारी क्लास में सिर्फ 6 बच्चे आए थे, मात्र 6 बच्चे। मुझे पता तो मैं आती भी नहीं, पर मुझे निराला सर का असाइनमेंट देना था। संगीता मैम का असाइनमेंट दे दिया तुम लोगों ने? उसी वाला सामने बात करेगी। क्या इस बारे में पूछो ना, पता नहीं जर्वल के बारे में पूछो, आएगी कि नहीं आएगी। कान पे लगाओ ना। हेलो 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 सानिया, तुम कॉलेज फेयरवेल पे आओगी? क्यों? वो तो क्यों बोल रही, मुझे लग रहा पहचान ही नहीं थी। क्यों, क्या फेयरवेल पे नहीं आएगी तू? फेयरवेल पे नहीं आओगी? पायल पूछ रही है, डांस करोगी तुम फेयरवेल पे? नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं करना यार, किसी को डांस नहीं करना। पायल तुम बोलो, तुम करोगी? नहीं आती डांस यार, एक बार हम करेंगे तो हो जाएगा, प्ले भी तो नहीं आता था। नहीं मैं गाना गा सकती। रीना तुम्हें बता, भोजपुरी बोलने तो आती नहीं थी तुम, जो प्ले में कर रही थी तब तुमने किया था ना, बताओ। अरे मैंने सीख ली थी, मैं क्या बताऊं। तो डांस भी सीख लेंगे ना, कर लेंगे यार, कर लेंगे। अकेले सोलो करना ना यार, सोलो से थोड़ी ना होता है, सोलो में मजा आएगा। तुम अकेले खाओगे यहाँ पे ना, पीछे जर्नलिज्म के कुछ बच्चे हैं, वो लोग फेयरवेल के डांस की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें ऊपर से हम थर्ड ईयर वाले भी हैं, ये लोग बोल रहे हैं हम लोग सीधा बराती वाला डांस करेंगे। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, डांस हो रहा है वहाँ पे, डांस कुछ तो करो, देखो प्रैक्टिस हो रही है वहाँ पे, प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो रही है। मैं होती ना, मैं बता देती ना अच्छा से डांस करके। फाइनली अपने घर आ चुकी हूँ, और मैं अपने कॉलेज लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं तब आई हूँ जब मेरी फैमिली यहाँ पे बैठ के एक लंच कर रही है, वरना हमेशा मैं 5 बजे आती थी, आज मैं 3:45 बजे ही आ गई हूँ, बस से ही आई हूँ। आज सिर्फ एक ही क्लास थी मेरी, मैं एक ही क्लास के लिए गई थी बस, उसकी अटेंडेंस लगाई वापस आई। और डांस वगैरह की प्रैक्टिस नहीं हो रही है अभी, उसकी स्टोरी बाद की है। अभी आज 7:30 बजे मीटिंग होगी, सबको अटेंड करनी है, उसके बाद पता चलेगा कैसे क्या फेयरवेल होगा। सो ये लंच है मेरा, इसमें रोटी, एक पराठा, चटनी, लौकी की सब्जी, दाल, और मैंने बस हाथ धोए हैं और मैं खाने बैठ गई। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी,
क्योंकि सुबह सुबह ही मैंने पीठा खा लिया था और क्योंकि मुझे कॉलेज में जाके भी भूख लग गई थी, मैं भूखी ही हूँ दिन भर भूखी रहती हूँ। सो ये आलू का पराठा पता नहीं कैसे आज गर्म मिला है मुझे, वरना तो हमेशा ऐसा ठंडा सा लगता है जैसे सारी ठंड यही है। खुशहाली ने बनाया तो ये रही खुशहाली। तो बस अभी मैं लंच करके आपको मिलती हूँ। तो अभी ना शाम हो रही है और मैं यहाँ पे जस्ट अपना गर्म पानी फिनिश ही कर रही हूँ, थोड़ा सा बच रहा है। ये ज़्यादा ज़रूरी था वरना ठंडा हो जाता पानी फिर गर्म करना पड़ता, फिर मेरी मम्मी हट चिल्लाती। तो जस्ट बस यही था ब्लॉग, इसी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। करेले बन रहे हैं, करेले बनेंगे, परवल बनेंगे और डिनर भी सादा सादा ही बनेगा, बने ना बने मैं तो सादा ही खाऊंगी। तो बस फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और स्टे विद मी स्टे विद केपी से नया ब्लॉग्स आता है।